इन टूडेज लेक्चर वी विल स्टडी द लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट सोलियम, टीनिया सोलियम फ़ाइलम प्लेटी हेलम से बिलोंग करता है और इसको कॉमनली पॉक टेब वॉम बोला जाता है पॉक मीन्स होता है मीट तो ये होगी मीट टेब बेसिकली तो इसको पॉक टेब वॉर्म क्यों बोला जाता है वो रीजन हम फाइंड आउट कर पाएंगे जब हम पूरा लाइफ साइकिल इसका स्टडी कर लेंगे ओके सो बेसिकली पैरासाइट्स की लाइफ साइकिल टू टाइप्स की होती है नंबर वन मोनोजेनेटिक एंड नंबर टू डाइजेनेटिक मोनोजेनेटिक वो लाइफ साइकिल होती है जिनमें सिर्फ एक ही होस्ट का पैरासाइट को रिक्वायरमेंट होता है वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है ओके okay? उसके बाद दूसरी आती है डाएजेनेटिक जहाँ पे पैरासाइट को दो होस्ट की ज़रूरत पड़ती है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए ओके okay? तो उसमें एक होस्ट को हम बोलते हैं प्राइमरी होस्ट और दूसरे होस्ट को हम बोलते हैं सेकेंडरी होस्ट प्राइमरी होस्ट वो होता है जिस होस्ट के अंदर पैरासाइट सेक्सुअल मेच्योरिटी अटेन करता है और रिप्रोडक्शन करता है एट द सेम टाइम सेकेंडरी होस्ट वो होता है जिसके अंदर पैरासाइट के जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं लार्वल स्टेजेस हैं डेवलपमेंट के वो पास आउट होते हैं ओके okay? तो ये हो गए हमारे प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट अब यहाँ पे टीनिया सोलियम में जो हमारा ह्यूमन होता है मैन होता है वो होता है प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट होता है पिग यानी कि सेक्शुअल मेच्योरिटी और रिप्रोडक्शन होता है मैन के अंदर और डेवलपमेंटल स्टेजेस कुछ पास आउट होते हैं वो पिक के अंदर होते हैं ओके okay? सो so अब हम यहाँ पे पहले मॉर्फोलॉजिकल uh, स्टडी कर लेते हैं टीना सोलियम की एडल्ट टेप की उसके बाद हम लाइफ साइकिल कंटिन्यू करेंगे ओके तो यहाँ पे ये एक टेप है एडल्ट टेप वॉर्म एडल्ट एप वॉर्म में क्या होगा इसमें इसकी बॉडी थ्री पोर्शन में डिवाइडेड होगी स्कॉलेक्स नैक एंड स्ट्रॉबेला स्कॉलेक्स जो होगा वो एंटीरियर मोस्ट पोर्शन होगा बॉडी का उसके बाद नेक आएगी और उसके बाद जो मेन बॉडी बचेगी उसको बोलते हैं पूरे को स्ट्रॉबेला ओके okay? स्ट्रॉबेला बेसिकली पूरा ये इसमें ये सब जो हमें दिख रहे हैं ये प्रोग्लोटेट्स हैं प्रोग्लोटेट्स वो होते हैं जो कंप्लीट सेट ऑफ जेनाइटेलिया को अपने अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं ओके तो यहाँ पे थ्री टाइप्स ऑफ प्रोग्लोटेट्स हैं इमेच्योर प्रोग्लोटेट्स मिच्योर प्रोग्लोटेट्स एंड एट द एंड राइप और ग्रेविड प्रोग्लोटेट्स सो so, सबसे पहले हमारे स्ट्रॉबेला में आते हैं हमारे इमेच्योर प्रोग्लोटेट्स सो so, ये अराउंड टू हंड्रेड इन नंबर होते हैं यंगेस्ट होते हैं सेक्शुअली इमेच्योर होते हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं उसके बाद आते हैं हमारे मिच्योर प्रोग्लोटेट्स तो मच्योर प्रोग्लोटेट्स अराउंड फोर फिफ्टी नंबर होते हैं इनके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और ज़्यादातर नॉट एट ऑल सारे बट ज़्यादातर इसमें हर्माफ्रोडाइट होते हैं यानी कि मेल और फीमेल ऑर्गन एक साथ प्रेजेंट होगा तो उन प्रोग्लोटेट्स को हम बोल रहे हैं हर्माफ्रोडाइट ओके तो मोस्ट ऑफ द आर हर्माफ्रोडाइट उसके बाद बचता है हमारा राइप और ग्रेविड प्रोग्लोटेट्स सो लास्ट के जो 150 फिफ्टी टू वाले हमारे प्रोग्लोटेट्स होंगे वो होंगे हमारे राइप और ग्रेविड सो इसमें जितने भी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो डिजेनरेट हो चुके होंगे खाली इनमें क्या uh, मिलता है हाईली ब्रांच यूट्रस जो कि फर्टिलाइज्ड एग्स से फिल रहता है ओके okay? सो so, इस तरीके से मूवमेंट होता रहता है पहले इमेच्योर देन मेच्योर देन राइप और ग्रेविट तो इस तरीके से बॉडी अपनी uh, जो लेंथ है वो इंक्रीज करती रहती है ओके तो यहाँ पे हमारे बचे एट द एंड राइपर ग्रेविट प्रोग्लोटेड जिसमें हाईली ब्रांच्ड यूट्रेस है और उसके अंदर प्रेजेंट है फर्टिलाइज एग्स काफ़ी सारे तो ये क्या होगा राइप और ग्रेविड प्रोग्लोटेड यहाँ पे शो किया हुआ है इसमें काफ़ी सारे एग्स हैं हाईली ब्रांच यूट्रस है तो ये ह्यूमन फीसेस के थ्रू अभी यहाँ पे ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है ये एडल्ट एडल्टेपॉर्म ओके अब क्या होगा ह्यूमन फीसेस के थ्रू ये बाहर आ जाएंगे क्या राइप और ग्रेविड प्रोग्लोटेट जिन जिनके अंदर प्रेजेंट था हाईली ब्रांच यूट्रस जिसके अंदर थे फुल फर्टिल आ, काफी सारे फर्टिलाइज एग्स ओके तो ये इसके अंदर एग्स हैं काफी सारे और पिग क्या करेगा जब वो ह्यूमन फीसिस पे फीड करेगा तो वो इसको इंजेस्ट कर लेगा इस आ, इन एग्स को इंजेस्ट कर लेगा अपनी बॉडी के अंदर ओके अब बात करेंगे हम यहाँ पे सेकेंडरी होस्ट की सो so, सेकेंडरी होस्ट है हमारा पिग जिसने इसको इंजेस्ट कर लिया है तो पहले डेवलपमेंटल स्टेजेस आएंगे टू सेल स्टेज फोर सेल स्टेज एट सेल स्टेज प्लास्टू लगा फॉर्मेशन होगा ओके तो स्टमक से ये स्टेजेस पास होते हुए कहाँ पे फिर आ जाएगा हम आ जाएंगे इंटेस्टाइन में तो अब हम बात कर रहे हैं पिकी इंटेस्टाइन में यहाँ पे जो फॉर्म होगी उसको हम बोलेंगे यंग ऑनकोस्फेयर या फिर एनसिस्टेड हेग्जा क्या होगा ये इसमें यहाँ पे सेंटर में जो प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं हेग्जा कैंथ इसके अंदर सिक्स हुक्स हैं इसीलिए इसको हेग्जा यानी सिक्स हेग्जा रिप्रेजेंट करता है ना सिक्स तो इसीलिए इसको हेग्जा कैंथ बोलते हैं इसके अंदर ये सिक्स हुक्स प्रेजेंट है ओके okay? बाहर जो इसके एक और स्फेयर है लाइनिंग है स्फेरिकल उसको बोलते हैं ऑनकोस्फेरल मैम्ब्रेन ओके okay? उसके बाद हुक्स हो गए ऑनकोस्फेरल मैम्ब्रेन हो गई ये बाहर की तरफ वाली जो लेयर है उसको बोलते हैं एम्ब्रियोपोर और ये आउटर मोस्ट है हमारी एग शेल, ओके सो ये पूरा हो गया हमारा यंग और जिसको हम बोल सकते हैं क्योंकि ये पूरा पूरा है, इसीलिए इंटेस्टाइन में okay? Now, कि इंटेस्टाइन के अंदर एल्कालाइन जूसेस प्रेजेंट होते हैं तो ये एल्कालाइन जूसेस इस शेल पर एक्ट करेंगे और इसको डिजोल्व कर देंगे तो अब हमारा क्या बचेगा फ्री हेग्जा गेंथ ठीक है या फिर फ्री ऑन को हम बोले तो ये बच जाएगा अब क्या होगा ये इंटेस्टाइन में हुक्स के थ्रू एंकर करेगा यानी होल्ड ऑन करेगा अपनी बॉडी को और पेनिट्रेशन ग्लैंड के थ्रू इंटेस्टाइन की जो वॉल है उसको पेनीट्रेट uh, करेगा विद द हेल्प ऑफ पेनिट्रेशन ग्लैंड और उसको वहाँ पे हमें पता है कि इंटेस्टाइन में पेरिस्टाइल्टिक पेरिस्टाइलसिस होता है पेरिस्टाइल्टिक मूवमेंट होती हैं तो ये जो हुक्स होंगे ये वहाँ पे लाइनिंग में इंटेस्टाइन की एग्जा को होल्ड ऑन करने में हेल्प करेंगे एंकर करने में हेल्प करेंगे और ये वहाँ से पास आउट होगा विद दी हेल्प ऑफ पेनिट्रेशन ग्लैंड ठीक है अब ये एंटर कर जाएगा ब्लड सर्कुलेशन में ओके ब्लड सर्कुलेशन में एंटर कर जाएगा क्या होगा ये यहां पे इसको इंटेस्टाइन में इन हुक्स की जरूरत थी एंकर करने के लिए बट अभी ब्लड में आ गया और इसको इन हुक्स की जरूरत नहीं है तो ये हुक्स शेड ऑफ हो जाएंगे और ये मूवमेंट करेगा डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में और फाइनली पहुंच जाएगा वॉलेंट्री मसल्स में वॉलेंट्री मसल्स जैसे कि टंग शोल्डर नायक यहां पे सब जगह हमारी वॉलेंट्री मसल्स प्रेजेंट होती है तो ये वहां पर पहुंच जाएगा ठीक है अब ये यही स्ट्रक्चर है इसमें से हुक जो है वो रिमूव हो गए क्योंकि हुक्स की अब जरूरत नहीं है एंकरिंग की अब जरूरत नहीं है ठीक है तो ये है मीजली पोर्क मीजली मीन्स पोर्क इन्फेक्टेड विद लार्वल फॉर्म ऑफ टीनिया सोलियम तो जो भी पोर्क, जो भी मीट टीनिया की लार्वल फॉर्म से इन्फेक्टेड होती है उसको हम बोलते हैं मीजली ओके सो इट इज मीजली पोर्क यानी मीट और इसके अंदर प्रेजेंट ये यहाँ पे सिस्टी सर्कस और ब्लैडर वोम जब इसके हुक्स रिमूव हो जाएंगे हेग्जा कैंत के तो हम इसको बोलेंगे सिस्टी सर्कस और ब्लेडरव ठीक है तो ये यहाँ पे सारे सिस्टी सर्कस प्रेजेंट है और ये क्या करेंगे होस्ट का जो न्यूट्रिशन है उसको यहां पे कंज्यूम करेंगे ये जिन मसल्स में प्रेजेंट होंगे होस्ट वहां पे होस्ट के न्यूट्रिशन को कंज्यूम करेंगे और इनके अंदर एक फ्लूइड फील्ड होगा जो कि बेसिकली क्या होगा होस्ट का ब्लड प्लाज्मा ओके अब ये जो मीजली पॉर्क है जब ह्यूमन इसको कंज्यूम करेगा खाएगा अंडर कुक्ड को क्योंकि जब ये हाई टेम्परेचर पे कुक होगी तो ये बेसिकली मर जाएंगे इनका डेथ हो जाएगा सिस्टी सर्कस और ब्लड वॉम ब्लडर वॉर्म का लेकिन अगर, अगर अंडर कुक्ड मीजली पॉक को, को कोई भी ह्यूमन कंज्यूम करता है तो ये उसकी इंटेस्टाइन पे इफेक्ट करेंगी कहाँ जाकर अपना घर बना लेंगी इंटेस्टाइन में ओके तो अभी किसी भी ह्यूमन ने इसको कंज्यूम कर लिया है तो अब यहाँ पे सिस्टी सर्कस इन सरफेस व्यू इन ह्यूमन इंटेस्टाइन सो अब यहाँ से अपने प्राइमरी होस्ट यानी ह्यूमन में एंटर कर गई है ओके सो so, अभी यहाँ पे सिस्टी सर्कस का सेक्शन दिखाया हुआ है जिसमें है इनवेजिनेटेड स्कॉलेक्स इनवेजिनेटेड के बाद ई वेजिनेटेड स्कॉलैक्स आता है तो पहले इसमें इनवेजिनेशन होगा फिर ई वेजिनेशन होगा तो इसका यहाँ पे एक सेक्शन दिखाया हुआ है ये इनवेजिनेशन है ये सकर प्रेजेंट है यहाँ पे ये यह, प्रोस्कॉलैक्स है और ये पूरा ब्लेडर वोम है उसके बाद ई वेजिनेशन होगा तो पहले ये इन्वर्टेड अप से अप साइड डाउन था आपकी बारी ये ऊपर की तरफ हो जाएगा तो ये हो गया हमारा ई वेजिनेटेड स्कॉलैक्स उसके बाद क्या होगा नेक स्ट्रोबिलेशन करेगी यानी कि यहाँ पे इस तरीके से ये सेगमेंट टाइप का फॉर्मेशन हो जाएगा और नीचे ब्लैडर आ जाएगा ऊपर इसके यहाँ पे ये स्कॉलेक्स प्रेजेंट है स्कॉलेक्स में फोर सकर प्रेजेंट होंगे सकर के पास हुक्स नहीं होंगे ओके सकर एडिशन में हेल्प करेंगे और यहाँ पर ऊपर दो रो प्रेजेंट होंगी रॉस्टेलर हुक्स की Okay. उसके बाद ये दूसरी फॉर्म में चेंज होगा जिसको हम बोलेंगे एडल्ट टेप फॉर्म तो ये जो ई वेजिनेटेड स्कॉलेक्स है इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट है किसमें डेवलप कर जाएगा इनटू द एडल्ट टेप फॉर्म ओके okay. अब यहां से वो पूरा लाइफ साइकिल रिपीट होगा कि एडल्ट टेप वम है एडल्ट टेप वार्म से राइपरग्रेविट प्रोग्लोड्रेट्स रिलीज हुए जिनके अंदर फर्टिलाइज एग फिल थे वो वापस से सेकेंडरी होस्ट ने दैट इज पिग ने कंज्यूम करा तो इस तरीके से पूरा लाइफ साइकिल जो है वो कंटिन्यू होता रहेगा ओके सो वी हैव डिस्कस्ड लाइफ साइकिल अब हम बात करेंगे पैरासिटिक एडेप्टन की टीनिया सोलियम में कि इस पैरासाइट ने क्या क्या एडेप्टन ले रखी हैं फॉर इट्स एडवांसमेंट ओके तो so, सबसे पहले है एडल्ट एज वेल एज लार्वा लेक सीलिया विद अदर लोकोमोटरी ऑर्गन्स यानी कि ना तो किसी लार्वल स्टेज के पास सीलिया होता है ना ही एडल्ट के पास होता है और सीला uh, तो छोड़ो और भी कोई लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है क्योंकि इसको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है ठीक है तो ये हमारी लाइफ साइकिल थी इसमें सारे लार्वल स्टेजेस और एडल्ट सब प्रेजेंट है ना ही तो किसी पे सीलिया है और ना ही किसी के पास लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं ओके उसके बाद हमारा सेकेंड पैरासिटिक एडेप्टन है एन एरोबिक रेस्पिरीशन एरोबिक रेस्पिरीशन होता है यानी रेस्पिरेशन इन द एबसेंस ऑफ ओटू क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो अवेलेबल ही नहीं होता ओके नंबर थर्ड इज़ हर्माफ्रोडिडिज्म एंड श्योर्स सेल्फ फर्टिलाइजेशन सो यहाँ पर अगर यूनिसेक्शुअल unisexual, यूनिसेक्शुअलिटी होती तो मान लो इंटेस्टाइन के अंदर एक ही टेप प्रेजेंट है तो वो अपना रिप्रोडक्शन नहीं कर पाती ओके okay. तो यहां पे क्या होगा हर्माफ्रोडिटिज्म होता है यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो पॉपुलेशन जो है वो मेंटेन रहती है रिप्रोडक्शन पॉसिबल रहता है कि चाहे एक सिंगल टेप क्यों ना प्रेजेंट हो ठीक है उसके बाद है स्कॉलेक्स बियड सकर दैट देस अटैचमेंट ऑर्गन इन इंटेस्टाइन तो ये जो हमारा स्कॉलेक्स था यहां पे प्रेजेंट है इसके पास क्या होता है ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट जिसकी वजह से वो इंटेस्टाइन में एंकर करके रखते हैं अपने आप को तो यहाँ पे ये स्कॉलेक्स है इसके पास क्या होता है ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट सकर्स प्रेजेंट होंगे रोस्टेलर हुक्स प्रेजेंट होंगे ओके उसके बाद नेक्स्ट है एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट पैरासाइट एब्जॉर्व अवेलेबल डाइजेस्टेड फूड ऑफ द होस्ट तो एलिमेंट्री कैनाल इनमें एबसेंट होती है क्योंकि इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती ये होस्ट का जो फूड है उसको डायरेक्टली एब्जॉर्व कर लेते हैं होस्ट का जो न्यूट्रिशन है उसी को एब्जॉर्ब करते हैं सो so, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये सिस्टिस सर्कल्स और ब्लैडर वॉर्म प्रेजेंट है और ये यहाँ पे मसल का जो न्यूट्रिशन है वो डिराइव करती हैं और होस्ट का जो प्लाज्मा है उसको कंज्यूम करती हैं होस्ट के न्यूट्रिशन को कंज्यूम करती हैं ओके सो इट वाज ऑल अबाउट पैरासिटिक अडेप्टंस अब हम पढ़ लेते हैं उसके बाद पैथोजेनेसिस और सिम्टम्स ओके okay? सो so, बात करेंगे पैथोजेनेसिस की या फिर सिम्टम्स की तो सेस्टोडायसिस वो डिसीज होता है जो टेप फॉम के थ्रू होता है सेस्टोडायसिस अब जब जब भी कोई ह्यूमन विक्टिम होता है एडल्ट टेपफॉम का तो इसके इफेक्ट्स को बोला जाता है टेनियासिस इसमें क्या होता है पेन होगा एबडोम एबडोमन में भूख बहुत ज़्यादा लगेगी यानी इंक्रीज एपीटाइट नर्वस डिसऑर्डर्स होंगे नोसिया होगा एनीमिया हो गया ओके उसके बाद सेकेंड है कि जब ह्यूमन विक्टिम होता है टू तो द सिस्टी सरकाई तो इसको बोलते हैं सिस्टी सरकोसिस ये और भी ज्यादा डेंजरस होता है और इसमें क्या होगा जो ब्लैडर है उसका एंसिसमेंट जो होगा वो वॉलेंट्री मसल्स में हो सकता है कार्डिक मसल्स में हो सकता है और वो ब्रेन को भी इफेक्ट कर सकता है ओके अब बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन की तो सबसे पहले है ट्रीटमेंट या फिर थेरेपी तो हम एंटी हेलमेंथ ड्रग्स यूज कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए जैसे कार्बन डेट्राक्लोराइड और एसपीडीएम बट ये उतने ज़्यादा इफेक्टिव ऑप्शन्स नहीं है प्रिवेंशन बेस्ट मैथड है उसके बाद तो हम बात कर लेते हैं प्रिवेंशन की प्रिवेंशन और वी कैन से प्रोफाइल इसमें क्या हम प्रिवेंशन ले सकते हैं टू अवॉइड द पेरेसाइट तो यहाँ पे है कि पिक्स मस्ट नॉट हैव एक्सेस टू ह्यूमन फेसेस पिक्स को ह्यूमन फेसेस से आ, दूर रखा जा सकता है इन्फेक्टेड पर्सन की और अंडर कुक्ड मीजली पॉक का कंजप्शन अवॉइड किया जा सकता है सो इट वॉज ऑल अबाउट पैरासिटिक एडेप्टशन पैथोजेनेसिस और सिम्टम्स थेरेपी और ट्रीटमेंट एंड प्रोफाइल और प्रिवेंशन सो यहाँ पे हमने टीनासोलियम की लाइफ साइकिल और ये सब कुछ उसका पूरा कंप्लीट कवर कर लिया है ओके okay?